ये हो गाइज वेलकम बैक टू अयर चैनल आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ क्योंकि और जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये पर मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ आई एम ए मैश एंड रीजन ये है कि भाई ट्वेंटी ट्वेंटी एवरी बडी नो बहुत अजीब सा साल गया इट वॉज़ लाइक फुल ऑफ कोविड एंड नाउ थिंग्स आर केटिंग बैक टू द थिंग वैक्सीन आर एंड ऑल बट ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज अम नॉट अ बैड ईयर फॉर मी बट अ रियली इंटरेस्टिंग वन बहुत कुछ सीखने को मिला एडिट सम वर्क बहुत जॉब के लिए गया था काफ़ी काम करने का मिला एंड अनफॉर्चुनेटली इन द एंड एक कोविड 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 की टाइग लाइन मेरे पे भी लग गए बिकॉज आई वॉज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव इन द एंड ऑफ नवम्बर द स्टार्टिंग डिसम्बर बट नाओ आई एम फुलट नाओ आई एम पैक टू द चैनल सो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ द वीडियो इज लिटरली एक चैनल को डिफाइन कर रही थी क्योंकि ये एनीमे ना लिटरली डिफाइन किया पूरे डिकेड को सीज़न थ्री एवरीबडी नोज एंडेड विद अ ब्लास्ट मतलब आप सोच नहीं सकते थे ऐसे मोड्स भरे बैठे सीजन थ्री में इट वॉज रियली चिलिंग प्रैक्टिकिंग मतलब रोमटे खड़े होने वाले सीन बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग और बहुत ज़्यादा मस्त किया मैं सोच रहा था कि यार ऐसा एनीम मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है मतलब मतलब क्या एनीम बोल ही नहीं सकता मैं मतलब, बस जबान हो जो जब, हार्ड ब्रेक एंड इमोशंस एंड लाइक पिन ड्रॉप ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, थी इसको देख के एंड आई टॉकउट अटैक ऑन टाइटन्स सो करेंटली मैं जो बात करने वाला हूँ इट्स नॉट अबाउट सीजन थ्री इज अबाउट सीजन फोर जो अभी चार एपिसोड आए हैं और आगे क्या हो सकता है और मैं क्या सोचा है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को ले कर ठीक है सो गाइस स्पॉयलर सेलेट जिन लोगों ने अटैक ऑन टाइटन्स बिल्कुल नहीं देखा है अटैक ऑन टाइटन सीजन थ्री तक ही देखा है तो काइंडली ये वीडियो बंद कर दो और जाके अटैक ऑन टाइटन देखो लेरी एनिमे का व्यू ही चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए बिल्कुल इट वॉज वन ऑफ द क्रिएटिस्ट एवर एनिमे अभी तक का सो so, बात करता सीजन फोर में आज जैसे ट्रेलर आया था सबने देखा था कि एक बॉय एक इंजर्ड बॉय मतलब एक लड़का जो गोल्डन हेयर का बिल्कुल लेटा हुआ है बैटल फील्ड में एंड सडनली उसके ऊपर एक चील घूम रही है एक बर्ड लाइक वल्चर एंड एक ईगल टाइप होती है ना जब कोई मर जाते हैं कुछ बॉडी अधमरी से हो जाती किसी जगह पे तो बहुत सारी चीलें घूमते हैं ये हमने बहुत स्टोरीज़ में देखा है बहुत मूवीज़ में देखा है एंड इसमें भी कुछ ऐसे दिखाया था एंड चीज़ भी इसी से स्टार्ट हुई थी तो इंडक्शन होता है फाल्काओ का जो हमें आगे जाके पता लगता है फालका होता है और एक बैटल चल रहा होता है मिडिल ईस्ट के मार्डे इस मिडिल ईस्ट आज आपको पता है मारडे हर जगह कैप्चर करना चाहती है हर जगह अपना मतलब क्या बोल रहा तो हम अटैक करके अपनी जगह बना अपनी टेरेटरी बढ़ाना चाहती है सो so, मारडे में अभी चार साल का मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है तो ये यह कहानी चार साल मतलब कि आप के? मान के चलो कि कहानी अभी चार साल आगे की है मतलब उससे पहले क्या हुआ उसके बीच में क्या हुआ वो किसी को नहीं पता हमें पता कि सीज़न थ्री की एंडिंग कहाँ हुई थी बिल्कुल समुंदर के पास जब एरिन मिकासा और आर्मेन तीनों जाके समुंदर को देख रहे होते हैं वही समुंदर जो आर्मेन के दादाजी की किताबों में लिखा था जो आर्मेन एरन को बताता है ठीक है फास्ट आउट करते हैं प्रेजेंट टाइम पर वॉल चल रहा होता है और ये छोटा बच्चा एक एल्डियन होता है आज उसकी बैच आप देखोगे तो येलो कलर का आर्म पैंट पहना होता है एल्डियंस वही लोग हैं जो मालडे के लिए काम करते हैं ये वही एल्डियंस हो गए गे जो किंग फ्रिट्स जब वो मेन आइलैंड होकर पैराडाइज में चला जाता है तो कुछ एल्डियंस वहाँ पर रह जाते हैं तो ये एल्डियंस मार्डे के एक तरह से गुलाम बन जाते हैं ठीक है ये कहानी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ना तो ये सी बताओ मुझे एक चीज़ याद आती है आई नो थोड़ी अब हिस्ट्री बजाऊंगा एंड इट विल बी लिटरली बोरिंग बट ये बहुत हेल्पफुल है तो गाइज ध्यान सुनना एवरीबडी नोज अबाउट नाज़ी जर्मनी एंड वट विद जूस रेट राइट नाउ कि मैं किसी की कम्युनिटी के हिसाब से कुछ बोलना नहीं चाहता सो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी अगर एनी सेंटीमेंट्स विल बी हर्ट बाई माई वर्ड्स सो बात करता हूँ सेम लाइक नाजी जर्मनी क्या करती थी जूस uh, को एक आम बैंड बनाती थी कि वो जिसके तो रोड पर चलते थे तो पता लगता था कि दी इज़ आर द जूस कि वो आ, नाजी से डिफरेंट होते थे तो सेम इन्होंने मार्डियस ने भी यही किया था एलडियंस के साथ एंड दे व डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द अलग अलग आम बैंड्स येलो वाले जो मतलब ये जो सोल्जर होते हैं ये काम करते हैं मार्डियंस के रेड वाले जो मार्डियंस के बराबर आते हैं क्या उसके नीचे बट हाँ दे आर द सिटीजन और इनको कोई कुछ कह नहीं सकता बिकॉज इन्होंने अपना काम किया हुआ है बैक टू द स्टोरी तो एज यू नो मिडल ईस्टर्न का वॉर चल रहा है एंड इट्स रियली really गोइंग एपिक मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड कोर्ट चल रहा है एंड एनिमीज होते हैं वो ज़्यादा प्रभाव कर रहे हैं मतलब कि भाई मार्डियंस uh, हारने वाले हैं तो मार्लियन का जो कमांडर होता है वो बोलता है कि कोई नहीं आठ सौ एल्डियंस अपनी जान देनेंगे कोई परवाह नहीं है बट डेन एक लड़की आती है लड़की कौन होती है राइनर की कजन एंड वो बोलती नहीं मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे uh, ये इनको आपको आज तो एल्डियंस भज भी जाएंगे और जो टाइटन से ऊपर से आ रहे हैं उनको भी पकड़ना नहीं पड़ेगा तो क्या अगर तुम बॉम्ब से उड़ा देती है तो कहानी हम आगे के पोड़ते हैं ये जो सीजन फोर अभी हम देखोगे ये राइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है इसे मेन कैरेक्टर अभी तक जितना भी दिखाया है ना तो राइनर ही दिखाया हुआ है एक मेच्योर राइनर जो मतलब थक चुका है इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका है बहुत कुछ हो रहा है उसके साथ एंड ही इज क्वाइट अ चेंज मतलब आप उसके फेस एंड एक्सप्रेशन जो देखोगे एंड आई रियली रियली एडमायर अबाउट कि देखो राइट नाव अभी सीजन थ्री तक विथ स्टूडियो कर रही थी ठीक है एंड अभी देखो एनिम इंडस्ट्री एनिमल प्रोडक्शन हाउस चेंज हो गया है तो आई नो बहुत चेंजेज होंगी बहुत चेंजेस होगी एंड वो दिखता भी है जो राइट ना जो एनिमेशन अभी दिख रही है इट्स रियली बेटर इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रही है बेटर क्वालिटी हो गई है अगर आप साइड के कैटर्स को उठा के देखोगे जो लग जब मेन कैटर फोकस होता है साइड के कैटर्स को भी फोकस जाता है तो कितना विविडली मतलब कितनी दूर तक आप देख पाओगे कि, कि पेड़ बेटर चीज़ें हो रही है <coughs> बहुत सही सही चीज़ें देखने को मिल रही है एंड सी से बोलो थोड़ा स्लो है थोड़ा स्लो है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है बहुत इन्फॉर्मेटिव है लाइक like, इसमें ऐसी चीज़ें दिखाई है जो बिल्कुल अब स्पॉयलर की तरह होने वाली है लाइक like, प्रीक्वल लाइक like, कि एट ईयर एट फोर्टी फाइव से पहले क्या हुआ था हाउ राइनर एंड बर्थर एंड एमी ये कैसे चूज किए गए थे जी कैसे चूज किए गए थे फॉर uh, कि टाइटन बने क्योंकि सबको पता है कि uh, जो फाउंडिंग टाइटन होता है वो नौ टाइटन से बढ़ जाता है ठीक है और उसमें से जो टाइटन होते हैं वो मालियन के पास होते हैं ठीक है ठीके? और टाइटन तो हमें पता है कौन से कौन से होते हैं उन्हें तो जॉ टाइटन होता है बी साइटन होता है आर्मा टाइटन होता है कोलोसल टाइटन होता है फीमेल टाइटन होती है कार टाइटन होते हैं और एक और टाइटन होता है द जो हमे टाइटन जिसके बारे में मैं बाद में बात, बात करूँगा क्योंकि उसके बारे में एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है बट हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँ तो यही चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है एपिसोड टू में एपिसोड टू थ्री में कि टाइटेंस के बारे में एंड उसमें पता लगता है कि राइनर के मैंने कि राइनर बहुत नॉट द तो वन जो चूज़ हुआ हुआ था अगर आप ध्यान से देखो तो गैलियड जो गैलियड होता है वो चूज़ होने वाला था बट उसका बड़ा भाई जो होता है जो उसका भाई होता है जो एक्चुअली पहले जॉ टाइटन बनता है उसने भाई को बचाने के लिए राइनर को कर दिया होता है राइनर मतलब शाटल हो जाता है मतलब वो सोच रहा होता है यार मैं अपनी मेहनत से आया हूँ बट एक्चुअली नहीं आया होता और आप सीन देखते हो कि जब ये होती है या तो हिस्टोरिया की जो बहुत अच्छी फ्रेंड होती है हिस्टोरिया उनका जो रिलेशनशिप चल रहा होता है वो उसको खा लेती है और जॉ एटन बन जाती है तो एंड में हमें इसमें यह भी पता लगा है कि अमीर का फेट क्या हो जाता है अमीर मतलब मर जाती है तो ऐसा देख रहे हो कि राइनर की जो बैक हिस्ट्री में पता लगती है तो इट वज लाइक कि थोड़े साड़ा में सब बुरा लगता है राइनर के कैरेक्टर में अगर तुम ढंग से देखो जो फील कि हाँ भाई राइनर भी एक अच्छा कैरेक्टर है थोड़ा मतलब हो रहा है धीरे धीरे फेवरेट आई नो मतलब उसकी जो हिस्ट्री है इट वॉज लाइक या एमी एनी तो वैसे भी थी वैसी और वैसे भी थी बट मेन चीज़ ये आ रही है भाई वेयर आर द अदर कैरेक्टर्स ये मार्लेंस के टेरिटरी के बारे में पता है चार साल बाद वट हैपन टू मिकासा एलेन मिकास वट लीवा एंड लीवा स्क्वाड किसी को कुछ नहीं पता मतलब तो दिखाया नहीं है मेनली फोकस रायन और एक फाल्काओ के ऊपर हो रहा है फाल्काओ फाल्काओ और कोल्ड दो भाई होते हैं और उनकी कहानी यह होती है कि जो कोल्ट है ही इज़ अ नेक्स्ट इन लाइन फॉर द बीच टाइटन क्योंकि इनके तेरह साल पूरे होने वाले हैं जीक राइनर इन सब के तेरह साल पूरे होने वाले हैं तो इसलिए अब नेक्स्ट इन लाइन जो है वो यही है तो कोल्ट बीच टाइटन बन जाएगा और एक ख़ास बात इसमें ना जीक कहता है कि बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें पता लग जाएंगे तुम तुम्हारी बॉडी इनहेरिट करोगे तो, तो, करो तो वही सीक्रेट हमें भी जानना है कि भाई मेन सीक्रेट तो यही है कि ज़ीक ने अपने माँ बाप को क्यों टर्न किया भाई मतलब क्यों उनके खिलाफ हो गया एज छोटी एज में ही देट वॉज रियली अ शॉकिंग थिंग जब हमें पता लगा था ए, छोटा बच्चा क्यों ऐसा करेगा यार सीरियसली दैट इज़ अ मेन पॉइंट जो हम मेरे को भी जानना है एंड जीक की थोड़ी फाउंडिंग टाइटन की मतलब यू नो कि फाउंडिंग टाइटन खासकर वो मेन नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और जीक के पास नोबल ब्लड है तो तभी वो थोड़ा बहुत टाइटन्स को कंट्रोल कर लेता है ये थ्योरी तो सबको ही पता है नहीं ये थ्योरी मे भी यही थ्योरी है और बात करते हैं जो हमे टाइटन के मैं बताया था जो हेमा टाइटन सेवन टाइटन जो होता है फाउंडिंग टाइटन एंड जो हमे टाइटन बहुत स्ट्रॉन्ग टाइटन है यार मतलब बहुत ही खतरनाक टाइटन है क्योंकि ऐसा मांगा में मैंने सुना है मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है बट मैं इसका इसको लिटरली मैंने इसकी पावर देखी नहीं है वो देखनी लायक है अभी और जो हेमर टाइटन एक टाइव फैमिली के पास होती है और टाइवर फैमिली वही होती है कि उन्होंने फर्स्ट आ, किंग फ्रिज के अगेंस्ट उस टाइम गए थे जब तो टाइटन वॉर हो रहा था और उन्होंने किंग फ्रिज को मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था कि वो निकल जाए मतलब काफ़ी उनके अगेंस्ट होता था तो मार्डियंस उनको सपोर्ट करते जबकि वो एक एल्डियन है एल्डियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिसमें विल आता है विल एक आइटर वो काफ़ी दिखाया गया कि वो नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है डैट वॉज फिफ्थ एपिसोड मतलब फिफ्थ एपिसोड में कुछ बहुत बड़ा बढ़ाने वाला था लाइक ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर उस एपिसोड के टाइटल का नाम है एंड इट्स रियली ह्यूज एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ रही है क्योंकि थ्योरीज मतलब देखो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हुआ क्या था अब सिचुएशन ये होती है बहुत बड़ा स्पॉलर हो जाता है कि भाई फाल्काओ एक इंजर्ड एलियन सोल्जर से दोस्त कर लेता है एंड उसका नाम होता है क्रूगर बाद में पता लगता है कि क्रूगर नहीं इट वॉज एरन येगर एंड वो रैनर को बोलता है फोर ईयर्स आफ्टर आई वी मीट सो मान लो कि फोर ईयर्स आफ्टर वी मीट तो करंटली द ईयर जो चल रहा है वो एट फिफ्टी फोर है मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेशन को थोड़ा ढंग से देखो क्योंकि नौ साल पहले ही फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पर अटैक करने एंडलो टाइटिंग एट फोर्टी फाइव ईयर में अटैक करता है शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट पे सो so, कैलकुलेशन के हिसाब से दिस इज़ करेंटली एट फिफ्टी फोर्थ ईयर और आई नो फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है क्योंकि नोज no वेर आर द अदर्स ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है ना भाई इन चार सालों में हुआ क्या मार्डन्स का तो पता है कि भाई ये वॉर कर रहे थे ईस्ट वालों के साथ बट वट अबाउट द अदर्स जो साइलेंट में रहते पैराडा साइलेंट में रहते उनका क्या हुआ वेर आर दे नाउ दैट इज़ अ मेन थिंग और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा होने वाला है एंड ग्रेट न्यूज़ ये है कि फाइनली मांगा और में एक ही टाइम एंड हो रहा है तो कोई स्पॉयलर्स एक दूसरे को नहीं देगा एंड फाइनली एवरी थिंग विल एंड ग्रेटली बट दिस इज रियली एन सीजन जो मतलब कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी राइट नो थिंग्स आर नॉट गोइंग थिंग अच्छी नॉट अबाउट एनीमे अदर शोज जो इंग्लिश शोज होते हैं क्योंकि बहुत सारे शोज हैं जो बहुत तगड़े चल रहे हैं मतलब उनकी जो uh, क्या बोलते हैं फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा एपिक है बट देन सीज़न का जो लास्ट सीज़न आता है फिनाले सीज़न वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है आई होप सो इसके साथ ना हो क्योंकि ये ऐसा एनीमे है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई क्योंकि बहुत मेच्योर एनीमे है एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लीकेटडो अगर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसकी जो इसकी कॉम्प्लिकेटेड टाइम लाइन है और जो हिस्ट्री चल रही है एंड आई होप सो कि इट एंड सोन हाई बहुत एक्सपेक्टेशन है आई होप सो कि एवरीथिंग थिंग हो जाए ठीक हो जाए एज़ आई डो नो क्या कह सकते हैं सो क्या ये सभी सीजन फोर के बारे में इतना ही कह सकता हूँ मैं एंड uh, आगे देखते हैं पता नहीं क्या कोई टाइबर फैमिली क्या कर रही है विल ही क्या करना चाहता है एंड वट इज़ एर एन एंड रैना में टॉक अबाउट एंड का रिएक्शन जो देखे उस uh, हल्के से जो टीज़र में आई डो नो कुछ भी हो सकता है सो so, लेट्स देखते हैं सो so, तब तक वेट करते हैं तब तक के लिए आप भी वेट कर लो और मैं तो इधर ही अटैक एटाकेंट आइटम के बारे में अभी और बात करनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट बाय तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कुछ क्वेश्चन है माइंड में तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय